हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द गेम प्ले वीडियो। आज की इस वीडियो में तो बात के लिए जा रहा हूँ माइनक्राफ्ट वो मेरी सर्वाइवल सीरीज में। और हाँ गाइस, आप लोगों के लिए मेरे पास कुछ है, वो है एकदम तगड़ी चीज़ रिलेटेड टू फ्रेंड्स SMP। और अगर मेरा कोई दोस्त है ना, तो मैं उससे रिक्वेस्ट करूँगा। गाइस मैं कुछ नहीं, मैं बकवास कर रहा हूँ सिर्फ, और कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं अपने वर्ल्ड को थोड़ा और डिस्कवर करूँगा। और मैं सोच रहा हूँ कि अगर मेरे को कुछ टोटेम ऑफ अंडाइंग मिल जाए, यानी कि मैं या तो प्रेफर करूँगा शिपरैक या फिर पिलेजर आउटपोस्ट मिल गया, तो तुम्हारे भाई के तो मज़े लगने वाले हैं। क्योंकि यार देखो, अगर मेरे को पिलेजर आउटपोस्ट मिल गया तो भाई फिर तो मज़े लग जाएंगे। मज़े कैसे लग जाएंगे वो भी सुन लो भाई। टोटेम वाला बंदा आ जाता है, टोटेम देने फ्री का टोटेम ऑफ अंडाइंग। और टोटेम ऑफ अंडाइंग अगर कुछ लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं क्या होता है। टोटेम ऑफ अंडाइंग आपको एक जिंदगी प्रदान करता है। मतलब अगर मान लो आप मरने वाले हो टोटेम ऑफ अंडाइंग लेके, तो टोटेम ऑफ अंडाइंग क्या करता है ना, अगर आपके हाथ में है जैसे शील्ड की जगह यहाँ पे टोटेम ऑफ अंडाइंग है, तो पता क्या होगा, पता है दोस्तों क्या हो जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं होगा। देख रहे हो, ये मैंने लिटरली कल ही सीखी है, ये ट्रिक मैंने कल ही सीखी है, लिटरली बोल रहा हूँ। तो अगर मान लो आप लोगों के हाथ में टोटम ऑफ अंडाइंग आ गया, मतलब फिर तो मौज हो जाएगी। सच्ची बता रहा हूँ, टोटम ऑफ अंडाइंग इज लाइक अ सेकेंड लाइफ टू अस। मतलब अपने को दूसरी जिंदगी देता है, तो इससे तगड़ी चीज़ और क्या ही हो सकती है। तो फटाफट से क्या करते हैं, शील्ड बनाते हैं और चलते हैं अपन लोग एक पिलेजर आउटपोस्ट की तलाश में। फूड मेरे पास इनफ है, बाकी रास्ते में देख लूँगा मैं इतना कुछ फूड है, आई थिंक काम हो जाएगा मेरा। बाकी हाँ, चलते हैं फटाफट से पिलेजर आउटपोस्ट की तलाश में। मैं खाना नहीं दे रहा, ओके। ये गोल्डन प्रेशर प्लेट यहाँ पे मैंने लगाई थी, तो चलो कोई बात नहीं, वो तो बात की बात है। फिलहाल इस साइड की तरफ चलते हैं। और आज की वीडियो का लाइक एम कितना रखा जाए, पूरे के पूरे 9 लाइक्स का एम रखता हूँ। पता नहीं कैसे दिमाग में आ रहा है मेरे, बट करवा दो यार, 9 लाइक्स इज नॉट डिफिकल्ट। लाइक करो वीडियो को, जो भी बंदा वीडियो देख रहा है, पहली बात तो व्यूज ही नहीं आते हैं, 2-3 तो व्यूज ही आते हैं। और हाँ, जो ही बंदा वीडियो देख रहा है ना, लाइक कर दो फटाफट से। खाना पीना कर फिलेजर भाई, फिलेजर है ये तो, मतलब आसपास ही होगा आउटपोस्ट भी। तो गाइस अभी फिलहाल अपन लोग सीधा ही चलते हैं, अगर फिलेजर ढूंढना है तो मतलब सीधा, क्योंकि सीधे में ही मतलब मेरे को लग रहा है कि पिलेजर यहीं से ही आया होगा सामने से, तो थोड़ा ब्लॉक चल के ही देख लेते हैं। अपने कुछ नहीं करना, बस बैड ओमन लेके यहाँ पे आना है अपने विलेजर्स के पास वापस से, और मतलब कुछ भी नहीं चाहिए। और फटाफट से चलते हैं, MLG गॉड बन चुका है तुम्हारा भाई, लेकिन सिर्फ उसको वाटर बकेट क्लच ही आता है, मतलब मेरे को बोट क्लच भी लाइक मतलब इतना प्रोफेशनल वाला नहीं आता मेरे को, सिर्फ नॉर्मली क्लच आता है। भाई ये जंगल बायोम से थोड़ा सा दूर निकलता है, पानी माई फेवरेट प्लेस, बिकॉज इन पानी आई यूज ट्राइडेंट। अकासिया भाई, अकासिया में से ज़्यादातर होता है क्या पता नहीं मेरे को, बट विलेज सबसे ज़्यादा अकासिया में मिलता है मेरे को पता है, लेकिन उसको मेरे को पता नहीं है इतना। वो दिख रहा है गाइस कुछ, वो वही स्काई रेल है जो हमें विलेज तक ले जाती है। फिलहाल विलेज में विलेजर्स भी आ चुके होंगे,
मतलब आ चुके होंगे इन द सेंस कि मैंने ज़्यादा नहीं लिए थे ना, 4-5 ही लिए थे और उनको ब्रीड करा के इतना बड़ा करवा दिया है। फटाफट से यार, इधर तो विलेज है अपना, मेरे को 1% चांस नहीं लग रहा इधर मिलेगा अपने को, सामने की साइड ही चलते रहते हैं। स्प्रिंट खत्म हो गया, वेट बट भाई इन्होंने अभी मेरे को देखा नहीं। गाइस मैं थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लेना चाहता हूँ और आप लोगों से पहले कुछ बात करना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। वेट गाइस, अभी फ़िलहाल मेरे को पिलेजर आउटपोस्ट तो मिल चुका है और मैं जितना मुझे मैं जानता हूँ कि पिलेजर आउटपोस्ट के ज़्यादातर विलेजर आउटपोस्ट और सैंड का वो जो टेंपल होता है ना वो वहीं मिलता है, एन्चांटेड गोल्डन एप्पल। अगर इस विलेजर आउटपोस्ट में वो हुआ तो गाइस लाइक कर देना वीडियो। अभी फ़िलहाल चलते हैं फटाफट से, इसने रीलोड कर लिया, बस बैठो मन वाला बंदा मिल जाए ना, टाइम ही नहीं है, फटाफट से ऊपर जाना चाहिए। वेट, यहाँ तो एक इग्लू भी है बट इग्लू जाने से पहले ना मेरे को ऊपर जाना चाहिए और बैड ओमन लेके आना पड़ती है। फटाफट से बैड ओमन की रेस करते हैं, ये रहा परसेंट बैड ओमन, मिल गया, ये चाहिए था बट चेस्ट में। वेट, एक चार्टेड गोल्डन एप्पल, क्या से निकलते हैं भाई, ये अलग ही सीन है भाई बेड रॉक वालों को। अभी फिलहाल बैडमैन मिल चुका है, फटाफट से अब होगी रेड और वो भी विलेज में, मेरे घर पे नहीं विलेज में होगी रेड। अभी फटाफट से यहाँ पे कल्टी हो लेते हैं, बैड ओमन प्लस में एन्चांटेड गोल्डन एप्पल मिल गया, इससे तगड़ी चीज़ और क्या ही हो सकती है। लेट्स गो गाइस, चलो फटाफट से निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस अभी फ़िलहाल विलेज की लोकेशन पे चलते हैं, जो कि थोड़ी थोड़ी यार याद नहीं है मेरे को। वेट, मेरे पे कुछ ब्लॉक्स है ना, इनका ये बनाते हैं क्राफ्टिंग टेबल। वेट, मेरे पे वूल ही नहीं है, गिनती के 2 वूल तो पड़े हैं मेरे पे। फटाफट से विलेज ढूंढ के वहीं सोना पड़ेगा और अब होगी एक कस्टम रेड और जहाँ हमें मिलेगा टोटम ऑफ अंडाइन इवोकर से। बस मेरे को उस इवोकर का मतलब मैं सोच रहा था कि शिपरैक में से यार वुडलैंड मेंशन का मैप हो सकता है 1% मिल जाए, 1% मिल जाएगा, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि पिलेजर आउटपोस्ट जो मेरे को पहला मिलेगा मेरे इस वर्ल्ड में, उसमें मेरे को इंचांटेड गोल्डन एप्पल मिलेगा। गॉड एप्पल कहता हूँ भाई मैं तो इसे, और मैं इसको कभी भी यूज़ नहीं करने वाला हूँ, मतलब अभी फ़िलहाल तो मतलब एंडर ड्रैगन की फ़ाइट के लिए भी यूज़ नहीं करूँगा मैं इसको। फ़िलहाल इस बैड ओमन का एक इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल जिसे कहते हैं। फटाफट से चलते हैं, ज़ॉम्बी विलेजर विलेज की साइड का यार मेरे को याद भी नहीं है। लेट्स गो, फटाफट से चलते हैं इसी साइड पे। लेट्स गो, फटाफट ट्राइडेंट मारते हैं, फटाफट से ट्राइडेंट मारते हैं और ऐसे 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 ऐसे
वो स्कायरेल दिख जाए ना मेरे को तो बढ़िया हो जाएगा। तो गाइस अभी फ़िलहाल मैं स्कायरेल को ही फॉलो कर रहा हूँ, वो कह रहा सामने जाओ, तो फिलहाल सीधा सीधा ही चलते रहते हैं। तो गाइस अभी फ़िलहाल चेक दिस आउट, मुझे सामने मेरा स्कायरेल मिल चुका है जो कि इधर की साइड जा रहा है, तो मुझे भी इधर की साइड जा रहा है। पहले इधर चलते हैं फिर उधर चलेंगे, जिसकी दो डायरेक्शंस है आई थिंक सो। जहाँ ये जा रहा है मेरे को इधर की साइड लग रही है वो जगह, फटाफट से इधर की साइड ही चलते हैं। फिलहाल ट्रेंड नहीं काम करेगा गाइस मेरा, चेक दिस आउट भाई, बारिश तो हो रही लेकिन ट्रेंड काम ही नहीं करेगा। फटाफट से ऊपर चलते हैं, लेट्स गो फटाफट से। तो भी इस जॉम्बी को पहले आना था, खेलते ना इसकी फाइट हो चुकी है, तो अभी फ़िलहाल हमें इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए और एक तगड़ी सी बस गाइस मेरे को आज ये रेड जीती है। और अगर मैं इस रेड के दौरान मरा या मेरे को प्रिपेयर करना चाहिए वगैरह बनाने चाहिए थे मेरे को, बाकी फूड की तो कमी नहीं होगी क्योंकि विलेज में मेरा अभी भी मेरा सामान पड़ा हुआ है जहाँ मेरा अच्छा खासा फूड था। फटाफट से स्काई रेल को फॉलो करते हैं और देखते हैं हमें कहाँ लेके जाएगी, लेट्स सी। वो रहा गाइस अपना विलेज, लेट्स गो स्काई रेल की से चलेंगे हम। फटाफट से विलेज में जाके पहले तो मेरे को सोना है, उसके बाद रेड शुरू होगी सुबह को। बाय द वे गाइस ये रेड शुरू की नहीं हुई एंड चेक दिस आउट, ये रेड शुरू हो चुकी है। फिलहाल मेरे को जल्दी से सोना पड़ेगा, अनाउंसमेंट भी हो चुका है रेड का, तो फटाफट से गुड नाइट कर गुड मॉर्निंग कर लेते हैं और इन विलेजर्स की बैंड बजाते हैं। फिर ये पड़ा अपना सोना, इस कुछ एमरेल्ड्स हैं, फटाफट से मेरे को देखना पड़ेगा रेड आ कहाँ से रही है। पूरा सामने एक किले जा रहा है, एक ही है इसको पहले मैं उस रेड का किंग। और ओ भाई बोरा विलेजर्स मार रहे हो तुम्हारी, तेरी पैसी। तो फटाफट से रेड का फर्स्ट पार्ट अपन ने इजीली कंप्लीट कर दिया, अपन को कुछ भी करके हीरो ऑफ द विलेज का अवार्ड चाहिए, मतलब चाहिए। अभी सेकंड लॉन्च हो चुकी है, हमें तो चेक करना पड़ेगा कहाँ से लॉन्च हुई है। वेट मेरे को चेक करना पड़ेगा, वेट रेड यहाँ पे से नहीं आ रही, वेट 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 रेड यहाँ से नहीं आ रही है तो मतलब उधर से ही कहीं से आ रही होगी। ये आ गई है अपनी रेड, आओ भाई एक्स लेके आओ। नमस्ते नमस्ते, एक मॉब बचा है, कहाँ है वो उसको ढूंढना पड़ेगा। ओ भाई एक्स कैसे चला रहा है, एक्स की टांग। एमरल्ड्स कितने हो गए, 6 की टांग, 25 एमरल्ड्स हो चुके हैं, 2 क्रॉस बोज और 3 एरोज हो चुके हैं। अब देखो मतलब भाई साहब तुम ये कलेक्ट नहीं कर सकते ना भाई, अपन लोग हीरो ऑफ द विलेज बन जाएंगे, अपनी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी, अपनी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी।
कहाँ है भाई, कहाँ से आ रही है रेड, बस बता दो, बस इवो कर ले आओ, इस रेड में मज़ा ही आ जाएगा। इस बारी तो शायद से नहीं, लेकिन नेक्स्ट बारी पक्का इवो कराने ही वाला है। तो फटाफट से चलते हैं, ये आ गया अपना, आ जा बेटा, तूने एग बहुत समझ में आया क्या? एक पिकैक्स दे यार भाई, तुम बस विश करोगे भाई बच जाओ विलेजर्स, लेट्स गो, बाकी काम तो मेरा है। चल बेटा इधर आ जा, बहुत चला ली तुमने एक्स, आ जाओ ले आओ उस रेवेजर को भी। भाई निशाने मिस कैसे हो रहे हैं, आ जा बस साउंड आ जा। शो टाइम गाइस, अपन पे लेट्स गो, अपन हीरो ऑफ द विलेज बन चुके हैं, पर टोटम वाला बंदा तो लिटरली आया ही नहीं इस विलेज में, ऐसा हुआ क्यों, इतनी आसानी से हार मान ली। फिर से देखते हैं, अगर हमको पैड ओमन मिलता है तो फिर से हीरो ऑफ द विलेज बनेंगे, देखते हैं इस बारी मिलता है या नहीं मिलता। फिलहाल तो फटाफट से चलते हैं, वो ज़्यादा दूर नहीं है, 1600 कुछ हैं उसके कॉर्ड्स, फटाफट से चलते हैं। रेड जीत चुके हैं, मतलब हीरो ऑफ द विलेज बन चुके हैं अपन लोग। वेट, ये पानी वही है जो रात को मैंने छोड़ा था, लिटरली बह रहे थे यहाँ पे आ गए। समझ में आया क्या भाई, इतना इजी है क्या रेड जीतना? मेरे को तो लग रहा था कि मेरे को थोड़े बहुत पोशन बनाने लिए चाहिए थे स्ट्रेंथ के, इजी हो गई काफी ज्यादा ये वाली रेड। प्रो बंदों के लिए तो बहुत ही ज्यादा इजी, प्रो बंदे जैसे कि मैं। फटाफट से अगर देखते हैं, अगर अपने को बैड ओमन एक और बार मिलता है तो बैड ओमन दिखा दो भाई, कहाँ पर है बताओ जल्दी, बताओ जल्दी बताओ, बैड ओमन वाला बंदा कहाँ पर है, वेयर आर यू गाइस? आपको जब तक बैड ओमन वाला मेरे सामने नहीं आया तब तक बातचीत नहीं करूँगा, इसी वजह से मेरे को यहाँ पे क्या क्राफ्टिंग टेबल है, बट क्या ही करूँगा इसका मैं। तो गाइस आज की वीडियो हमारी थोड़ी सी मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था जो अभी हमारे साथ हुआ है, फिलहाल तो गाइस फटाफट से अभी हेवन क्लच भी करेंगे हम लोग, मैं आप लोगों को मतलब करके दिखाऊंगा। ठुके बता भाई, फिलहाल मैं आप लोगों से घर पहुंचने के बाद मिलता हूँ। तो गाइस अभी फिलहाल रेलवे वाली मतलब विलेज वाली लिफ्ट से मैं अपने रेलवे ट्रैक तक पहुंच चुका हूँ, मतलब अपना घर अब ज़्यादा दूर नहीं है। थोड़ा बहुत आयरन ले लेता मैं तो शायद से बना लेता, हैगा क्या आयरन, लेट्स सी, एक ही आयरन है। और बाकी सामान देखो भाई, आयरन का इन्होंने थोड़ा बहुत सामान तो दिया है, बट मेरे लिए जो कचरा है वो तो मैं यहीं फेंकने वाला हूँ, मैं इसको अपनी शील्ड पे लगाऊंगा, देखते हैं कैसे लगता है, मेरे को पता नहीं है कैसे लगता है। पिकैक्स नकली है बिल्कुल ही,
ये नकली सामान क्या दे देते हैं मेरे को, गाजर नहीं चाहिए, ये नकली, ये बहुत असली है गाइस, एन्चेंटेड एप्पल है, गॉड एप्पल है हमारे लिए। मतलब आज चलो कुछ नहीं, टोटम नहीं मिला, लेकिन गॉड एप्पल तो मिल गया, मतलब मैं डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ, मैं डिसअपॉइंटेड बिल्कुल नहीं अपने आप से, लेकिन मैं उम्मीद टोटम की थी, लेकिन मिल गया गॉड एप्पल, जो कि बहुत तगड़ी चीज़ होती है। जिसको गॉड एप्पल नहीं पता तो मैं बता दूँ कि इंचेंटेड गोल्डन एप्पल एक गॉड एप्पल की तरह होता है, जो एक घंटा हमारा पीवीपी में चल जाता है इजीली। देखा क्या मेरा क्लच गॉड है भाई, हम मजाक है क्या? अभी हीरो विलेज बन चुके हैं तो एक बार विलेजर से मिल के आ जाते हैं, फिलहाल इसको पीछे रखते हैं। हीरो आ गया तुम्हारा, अब देखिए कुछ कम करते हैं क्या रिकॉर्डिंग में। भाई 38 से 27 है, 25 एमरल्ड, भाई साहब मेरे पे एमरल्ड ऊपर पड़े हैं, मेंडिंग मिल रही है इजीली, और दिखाओ भाई क्या 19 एमरल्ड में, भाई साहब मेरे को वो प्रोटेक्शन 4 मिल रही है भाई, हीरो ऑफ द विलेज भाई साहब, ओपी एकदम। बस फिलहाल इस सब की अपने को कुछ जरूरत नहीं है, फिलहाल तो निकलते हैं अपन लोग, एक हेबेल और एक लकड़ी लगाते हैं, नहीं हेबेल वापस से उठाते हैं। कैसे लगता है, मतलब हमारी शील्ड पे बैनर, ये कैसे लगता है देखना पड़ेगा मेरे को, एक मिनट, अगर शील्ड इधर रख दिया जाए और ये बैनर लगा दिया जाए कैसे लगता है इस पे, मेरे को बताओ कमेंट करके किसको। यहाँ तो पहले इसको ऐसे लगाना पड़ता होगा, ये गलत लग गया, ये बैनर है यार, ये कैसे लगता है मेरी शील्ड पे। ओके गाइस, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आपने देखा कि मैंने एक पिलेजर आउटपोस्ट ढूंढा, वहां मेरे को एक गॉड एप्पल मिला, समझ रहे हो, गॉड एप्पल, एक गॉड एप्पल मिला जो मेरी चेस्ट में जा चुका है, एक इंचेंटेड गोल्डन एप्पल, बिल्कुल मतलब मेरे लिए गॉड एप्पल की तरह है ये, मतलब मेरे को लग रहा है किसी ने, मतलब क्या ही बोलूँ, एक गिफ्ट की तरह है मेरे लिए। तो और लेकिन हमारा मेन टोटम था जो कि पूरा नहीं हो पाया, लेकिन मैं खुश हूँ क्योंकि गॉड एप्पल इज नेक्स्ट बिग थिंग। यार आज की वीडियो में बस इतना ही, आज का लाइक गोल पूरा कर दो जो भी है, सिर्फ और सिर्फ 9 लाइक्स का, और हाँ अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो इसको शेयर भी कर दिया करो यार, वीडियो को शेयर भी कर दिया करो यार, वीडियो को गाइस शेयर करना ज़रूरी है, जब ही तो तुम्हारे आगे चौड़ बढ़ेगी, सब जाएंगे तो फटाफट से वीडियो शेयर करो यार, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब मैं जितना नहीं कहता उसका, अगर मैं कहता हूँ शेयर करो वीडियो, ताकि तुम्हारे भाई की चौड़ एकदम तरीके से बढ़ गए। ये क्या आ गया हाथ में, तो ये फटाफट से एक क्लच और करते हैं, समझ रहे हो गाइस कहाँ का क्लच करना है। फटाफट से आज इस वीडियो की एंड में भी एक क्लच होने वाला है, बट मैं इसके ऊपर पानी कैसे लगा पाऊंगा। ओके वहां तक तो लगी है, कमॉन इसको ऐसे उठा के ऐसे लगाओ, फटाफट से लेट्स गो गाइस, लेट्स गो फटाफट से ऊपर चलते हैं, और एक गॉड क्लच दिखाता हूँ मैं तुम्हें, हे बेल से क्लच कई बार मैं, मतलब जब मैं दोस्तों के साथ मैं तो जब मारते हैं तो मैं एक हाइट पे पहुंचता हूँ, और फिर मैं उनको लगता है कि मेरे पे एक्वायर हार्डवेयर वाली वो तो एडवांसमेंट यानी आयरन है नहीं, यानी बकेट भी नहीं है, तो इसलिए वो बेफिक्र रहते हैं, ऐसा नहीं होता कि मैं विलेज घूम के आ चुका हूँ, जो कि बट मैंने निकाल ली
मतलब निकालने तो पता ही होगा, लेकिन क्लच गॉड हूँ भाई मैं, इतनी आसानी से हार भी नहीं मानता। एक बार तो भाई मेरे पे खाली बाल्टी, मैंने उनका ही पानी चुरा के नीचे क्लच कर दिया, पता है उन्होंने पानी लगाया एक दोस्त को बचाने के लिए, 1v2 मैन हंट था। तो मेरे एक दोस्त का नाम है सारिब, तो उसने पानी डाला मेरे एक दूसरे फ्रेंड को बचाने के लिए, तो ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, मैंने उसी का ही पानी मैंने एकदम चुराया और नीचे ही रवि नॉक करा, MLG आती और MLG आने होने का होता है गाइस। फटाफट से चलते हैं ऊपर की साइड और फिर से पानी उठा लेते हैं अपना। एक मिनट रुको, ये रहा वूल ब्लॉक है मेरे पास। नीचे से पानी जाने दो, फिर यहाँ से क्लच करता हूँ, पानी हटने का वेट करते हैं। और चेक दिस आउट, अपना वीट फार्म कितना तगड़ा लग रहा है सीरियसली। मतलब इसमें बनाने में जो मेहनत लगी है ना, वो आई थिंक कोई और चीज़ करने में नहीं लगी हुई, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है प्लांटेशन करने में। जल्दी ख़त्म हो जाए भाई पानी, इसको जाके खुद ही प्लांट करना पड़ता है। लेकिन जब इसकी खेती निकलती है ना, उग गया ये शायद से, कोई नहीं इसको भी निकाल देंगे नेक्स्ट वीडियो तक। हे बेल निकालते हैं, लेट्स गो टू क्लच। फाइनली क्लच हो चुका है, मजाक कर रहा हूँ, वैसे वाटर प्रूफ तो हो ही जाता है लेकिन हे बेल से थोड़ा मुश्किल होता है। बट कोई नहीं गाइस, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो फटाफट से, और तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। इससे बुरी किस्मत क्या हो सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय। भाई यहाँ का एक शीशा तोड़ना पड़ेगा। अरे देखो मेरी ट्रिक, ये जो मैंने सीखी है, ये चेस्ट की वजह से हो रहा है ना भाई, यार हो नहीं पा रहा। चलो गाइस बाय बाय।